विज्ञान के एक क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही रोचक और उभरता हुआ सेक्टर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। डीआरडीओ, इसरो सहित वैमानिकी से जुड़े अन्य देश और विदेश के संस्थानों में इन इंजीनियर्स की जरूरत है। और इसके अलावा जिस तरह आज मानव रहित विमानों की उपयोगिता बढ़ रही है, यूएवी में नवीन विकास हो रहे हैं, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। एरोस्पेस में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एरोस्पेस का नाम आते ही जहन में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम या अंतरिक्ष परी कल्पना चावला जैसे वैज्ञानिकों का चेहरा सामने आ जाता है, जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उपलब्धियां हासिल कर विश्व में अपनी पहचान बना दी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर उड़ने वाले वाहनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें अंतरिक्षयान, रॉकेट, उपग्रह और मिसाइल आदि शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के इंजन और संरचना विकास के साथ कॉस्मिक किरणों, रेडिएशन और चुंबकीय तरंग जैसे वायुमंडल के बाहर पड़ने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाठ्य क्षेत्र काफी व्यापक हो जाता है। यहाँ रेसिंग कार से लेकर हाई स्पीड ट्रेन और हर तरह के वायुयान की प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान से 12वीं पास विद्यार्थी इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। देश के लगभग सभी IITs और अन्य इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थानों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें से एक है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जो देश के शुरुआती एरोस्पेस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संस्थानों में शामिल है। हमारे यहाँ स्नातक कोर्स होते हैं जिसमें JEE के द्वारा प्रवेश लिया जा सकता है। ये 4 साल का एक अभिनव पाठ्यक्रम है। हम 6 महीने की इंटर्नशिप भी करवाते हैं। इस दौरान छात्रों को DRDO प्रयोगशालाओं, वायुसेना सहित सभी संबंधित संस्थाओं में काम करने का मौका मिलता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में जाते हैं और फिर वो वापस आकर अपने देश की सेवा करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह सेवा करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद एरोस्पेस में आ सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक और उभरता क्षेत्र है मानव रहित विमान यानी ड्रोन। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। इनकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रतिदिन नवीन आविष्कार किए जा रहे हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बड़े अवसर हैं। इस पाठ्यक्रम में ड्रोन तकनीक, एरोडायनामिक्स, डिजाइन, एरो मॉडलिंग आदि का अध्ययन कराया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के प्रमुख संस्थानों में से एक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। IIT कानपुर इस देश का शायद पहला संस्थान है जिसने सबसे पहले एरो मॉडलिंग में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया, जो ड्रोन तकनीक की एक अनिवार्य कड़ी है। हमने 2005 में ये पाठ्यक्रम शुरू किया, स्नातक के छात्रों के लिए अनिवार्य लैब कोर्स, ताकि छात्र खुद अपने ड्रोन बना सकें और अपनी उड़ान भर सकें। भारत में एरोस्पेस सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है, इसलिए दिन प्रतिदिन स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है। ये स्टार्टअप विशाल कंपनियों के लिए विनिर्माण, परामर्श और रखरखाव से संबंधित हैं। इस क्षेत्र में अवसरों के तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एयर इंडिया, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी आदि संस्थान एरोस्पेस इंजीनियर्स की भर्ती करते हैं। इनके अलावा निजी संस्थानों से लेकर विदेशों में भी इस क्षेत्र में काफी अवसर उपलब्ध हैं।